Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams are duty. इस बार सारी बातों के बावजूद बहुत सारे लोग जो सिलेक्ट होकर आपसे मिलने आ रहे हैं, तो इस बार की परीक्षा एक अलग तरीके की परीक्षा थी और इन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं अभी इंटरव्यू के माध्यम से जो आपको पहुंचेगा। लेकिन मैं चाह रहा था कि इस मंच पर आकर जो बात कहने की बात होती है वो बात अलग होती है। ठीक, आपने यहाँ का क्लास की है या वहाँ की है? गांधी चौक में। कि जो भी उस तरफ बैठता है उसकी एक बड़ी तमन्ना होती है कि एक बार यहाँ खड़े होना है, बैठना है और ये बताना है कि हमने ऐसा अलग क्या किया कि हम वहाँ से यहाँ तक आए। तो बहुत सारी बातें नहीं करूँगा, आपके पास दोनों जानकारियाँ हैं, प्राची और निधि दोनों नायब तहसीलदार के पद पर सिलेक्ट हुई हैं और अब ये अपनी कहानी अपनी जुबानी आपको बताएंगी। मैं और दीप सर आपके साथ बैठ के सुनेंगे। चलो बैठो, बैठ के बात करोगे? आराम से बैठ के बात करो, कंफर्टेबली बात करो। गुड इवनिंग, आवाज़ आ रही है मेरी? क्योंकि मुझे इंटरव्यू में भी ये कहा जाता था जोर से बोलो, इसलिए पूछ रही हूँ, आ रही है ना आवाज़? हाँ ठीक है। कैसे हैं आप लोग सब? ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था और लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू दिया था पर मुझे पोस्ट नहीं मिल पाई थी, मेरा रैंक काफ़ी पीछे था। और इस बार नायब तहसीलदार का पोस्ट मिला है, तो आते रहते हैं टॉपर्स, आप लोगों के साथ बहुत एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो मैं आप लोग जो पूछेंगे वो मैं बताऊंगी क्योंकि वही बातें होती रहती है ना, तो जो आप लोग के डाउट होंगे वो मैं बताना पसंद करूँगी। हेलो, ये लोग ना वो चौक स्टार्टर वाले लोग हैं, धीरे से चार्ज होंगे, फिर एक आध कोई भेजेगा, उसके बाद ढेर सारी चिट्ठियाँ आएंगी। हाँ चिट्ठियाँ हम भी भेजा करते थे जब हम क्लास में थे, तो उस तरफ से इस तरफ आने का जो, चलिए आप लोग जो प्रश्न आपको लॉजिकल लग रहा है आप लोग भेज सकते हैं तो भेजिए, वरना मैं आपकी तरफ से परंपरागत सवाल आपके पूछ लूँगा। ठीक, तब तक आप बताइए कुछ। हेलो, मेरा नाम निधि निदाम है और इस बार मुझे नायब तहसीलदार का पोस्ट मिला है और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था, इससे पहले फाइनल पोस्ट नहीं मिल पाया था और ये मेरा अटेम्प्ट 6th या 7th ऐसा कुछ है और मैं लगातार मेंस दे रही थी और मेंस में मैंने थोड़ा सुधार किया और इंटरव्यू में सुधार किया क्योंकि पिछला इंटरव्यू मेरा बहुत गंदा गया हुआ था, 60 मार्क्स मिले हुए थे, तो 60 से 100 तक का जो सफ़र है वो मैंने तय किया। और क्या बताऊँ, आप पेशेंस के साथ पढ़िए क्योंकि जो मैंने 6-7-8 साल में किया है, मतलब 8 साल में मुझे लग गया, तो आप छोड़िएगा मत, है ना, PSC और धैर्य, पेशेंस और PSC दोनों, तो आप लोग छोड़िएगा मत। ओके थैंक यू। हेलो, देखिए जो भी सिलेक्टेड लोग आते हैं इनके कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन उनके साथ हमेशा बने रहते हैं जो आंसर राइटिंग से जुड़े होते हैं, करंट अफेयर्स से जुड़े होते हैं। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जानने की है, जैसे इन्होंने बताया कि कई बार हमसे गलतियाँ होती हैं और वो गलतियों के कारण हमें ज़्यादा समय लग जाता है और जब 2-3 अटेम्प्ट हो जाते हैं तो हमको ये रियलाइज़ होता है कि ये नहीं किया होता तो शायद सिलेक्शन आसानी से हो जाता। तो जैसा आप दोनों ने बताया कि थोड़ा सा समय लगा, ठीक, अब उस समय के लगने में आपसे कहाँ गलती हुई, इवन हमसे कहाँ गलती हुई, ये भी हो सकता है कि संस्थान वो चीज़ नहीं बता पाया या बाहर से तैयारी में क्या गलती हुई, ऐसी सारी चीज़ें यदि आप बताएंगे तो इनको हमको आपको सबको एक आसानी होगी ये जानने में कि कौन सी चीज़ें होती हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब लोग आकर ये बताते हैं कि क्या करना चाहिए, तो आप इनको ये बताइए कि क्या नहीं करना चाहिए। सर सबसे पहले तो मैं ये कि हम जो क्लास में पढ़ते हैं, अब इनके लिए पकड़ लेता हूँ मैं, चलो हाँ, हम जो क्लास में पढ़ते हैं तो मैं जब क्लास करती थी तो मैं रिवाइज नहीं करती थी, तो ये मेरी सबसे बड़ी और ब्लंडर मिस्टेक था मेरा, तो आप रिवाइज कीजिए, है ना।
और मैं मेंस में मुझे ऐसा लगता था मैं पढ़ ली हूँ तो मैं लिख लूँगी, मुझे ऐसा लगता था मैं पढ़ ली हूँ तो मैं लिख लूँगी, लेकिन जब तक आप लिखेंगे नहीं आपका हाथ वहाँ नहीं चलेगा, तो आपको लिखना है, तब तक लिखना है जब तक आपका जो हाथ में पेन स्टार्ट ना हो जाए तब तक लिखना है। तो और बस मेंस लिखना प्री, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। जब पहले दिन आप आते हैं तो मैं आपसे तीन ही बात कहता हूँ, घर से पढ़ के आइए, आप लोगों से भी कह रहा था अभी तक कह रहा हूँ, ना आप लोग माने ना ये मान रहे नहीं माने इसलिए मेरा 8th सेवंथ अटेम्प्ट हो गया। मैं सिर्फ ये कहता हूँ घर से पढ़कर आइए, जो क्लास में पढ़ाया गया है पूरे ध्यान से पढ़िए, घर जाके रिवाइज करिए और प्रश्न सॉल्व करिए, इससे अलग कोई रणनीति की ज़रूरत ही नहीं है। यदि आप ईमानदारी से ये काम साल भर कर रहे हैं और क्लास पूरी होने के बाद करंट या बाकी चीज़ों को उसमें एसोसिएट कर ले रहे हैं तो यही तो तैयारी है, इसके अलावा सब मोह माया है। लेकिन इसको छोड़कर हम ढेर सारी मोह माया में पड़े रहते हैं, बाजार में नया क्या आया। सर हमेशा का कहते थे कि आप लोगों को कलेक्टर बनना है, डिप्टी कलेक्टर, बुक कलेक्टर नहीं बनना है, है ना? तो ये चीज़ मैंने बहुत सीरियसली ले ली थी सर की बात, और जो सर के जो नोट्स थे जो कोचिंग से मिलते थे वो मैंने लिमिटेड रखा वहाँ तक अपने आप को। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो सर क्लास में डिक्टेट करते थे पढ़ाते हुए, है ना, तो कई सारी चीज़ें ऐसी थी हमको बुक से समझ नहीं आती, लेकिन जब ऐसा होता है जब हम क्लास में बैठे हैं सर पढ़ा रहे हैं हमको सब समझ में आ जाएगा, जब आप वापस जाओगे और बुक देखोगे आपको लगेगा कि नहीं ये ऐसा तो नहीं था, है ना? तो ऐसी मतलब मेरे साथ होता था ये चीज़, तो मैं क्या करती थी जब सर पढ़ाते थे तो जो कुछ पॉइंट्स होते थे उसको लिख लिया करती थी, लेकिन ऐसा करते हुए भी मेरा नोट्स बहुत बड़ा हो गया था, मतलब वो जो हमको मेंस के टाइम जो टाइम लिखने के लिए जो रिवाइज करने के लिए जो टाइम रहता है वो आपको बहुत सोच समझ के अपने नोट्स को कंप्राइज करके रखना पड़ेगा कि मेरे को जैसे एक घंटे का दो घंटे का ब्रेक है ना दो पेपर के बीच में, लेकिन आधा घंटा आप खाओगे पियोगे ठीक है थोड़ा रिलैक्स होगे, डेढ़ घंटा बचा है आपके पास, तो आपको अगले पेपर के लिए कैसे उस समय को जल्दी जल्दी रिवाइज करना है उसकी प्लानिंग आपको पहले से करनी पड़ेगी। मतलब मेरा जो लास्ट ईयर वाला मेंस था उसमें मेरी मिस्टेक यहीं पर हुई थी कि मैंने नोट्स अपना रेडी करके नहीं रखा था, जो सर के भी मैंने नोट्स बनाए थे मुझे लगता था कि एक बार देखूंगी तो याद हो जाएगा, लेकिन वो जो इतना प्रेशर रहता है ना कि आपको जो याद है आप वो भी भूल जाओगे, है ना? तो मेरा दर्शन का जो पेपर था वो बहुत बिगड़ा था लास्ट ईयर, मेरे 18 नंबर आए थे 75 में 18, ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब इतनी बदतर स्थिति में मैं आऊँगी दर्शन में, क्योंकि सर पढ़ाते थे तो पूरा समझ में आ जाता था। फिर मैंने क्या किया इस साल कि जो नोट्स थे मेरे उसको मैंने शॉर्ट किए काफ़ी, और जो की पॉइंट होता है ना दर्शन में हमको उनका दर्शन लिखना है, है ना, हम सोचते हैं कि हम हमारा दर्शन भी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएंगे, मुझे नहीं मिले मेरे 18 नंबर आए थे, ठीक है। तो फिर मैंने इस चीज़ को ठीक किया और मेरे दर्शन के नोट्स बस बोलना चाहिए कि 30-40 पेज में मैंने उसको वो कर लिया, फिर इस बार अच्छे नंबर आए 38 मार्क्स आए। तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि आप किस सब्जेक्ट में लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेटजी जो है चेंज करनी है, ये मेरे से हुआ था ये वाला मिस्टेक। हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जब भी सिलेक्ट होकर यहाँ आ रहे हैं तो मैं उनसे एक एब्सोल्यूट क्षमा मांग रहा हूँ, और वो ये है कि पुराने समय में जो इन्होंने कहा नोट्स और क्लास के बीच में पैरिटी नहीं होती थी, तो जो बच्चा यहाँ से पढ़ घर से पढ़ के आता था तो उसको लगता था यार ये सर तो अलग ही पढ़ा रहे हैं, किताब में तो कुछ पढ़ के आया, फिर वापस जाके पढ़ता था तो लगता था कि किताब में कुछ और है, यदि उसने क्लास में नहीं लिखा तो उसके लिए बड़ा मुश्किल था। पिछले 3 सालों में जो सबसे बड़ा बदलाव DIA ने, अच्छा उसके बाद भी ये लोग सिलेक्ट होते थे तो उसमें इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता था, मेरी क्लास का कंट्रीब्यूशन होता था, युवाचार के नोट्स का कंट्रीब्यूशन, उस समय युवाचार लॉन्च भी नहीं हुआ था, विकास सर फिर आके युवाचार लॉन्च किए, जब हमने युवाचार पब्लिकेशन लॉन्च किया तो उसमें पहली क्राइटेरिया ही ये था कि क्लास और नोट्स में पैरिटी होना चाहिए, लेकिन अगले 1-1.5 साल हम वो भी नहीं कर पाए क्योंकि टीचर्स के पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि वो किताबें बना पाए, तो टीम ने किताबें बनाई उसमें कुछ फ्लॉज रह गए। कोविड इज़ लाइक ब्लेसिंग फॉर अस एंड फॉर यू, उस दौरान जब हमारे ऊपर वर्क प्रेशर कम हुआ तो दीप ने सारे छत्तीसगढ़ पर बैठकर किताबें बनाई, वो किताबें जो वो क्लास में लिखवाता था, और ये इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था, तो किताब ही नोट्स हो गई। मैंने खुद ने, ये देखिए ये हिस्ट्री है, ऐसी ही
ज्योग्राफी है प्रीगम, मींस इकोनॉमी है, पॉलिटी है, फिलॉसफी है, इन पर इस ढंग से किताबें बनाई, लगभग सारी किताबें मेरी नज़रों से गई हैं। आपका सोशियोलॉजी है कि जो हम क्लास में पढ़ाते हैं वही नोट्स में हो, और इसलिए अब आप देखेंगे कि बहुत सारा वो लेकर हम पढ़ाने नहीं आते हैं, हम सिर्फ ये बुक लाते हैं ताकि इसके सीक्वेंस को फॉलो करके आपको पढ़ा सकें। तो इन लोगों के लिए राह कठिन थी, उसमें कुछ कमियां हमारी भी थी क्योंकि ग्रेजुअली इंस्टीट्यूट इवॉल्व होता है। आप लोगों के लिए तो आप ये सोचिए, यदि ये सारी सुविधाएं हैं तो चीज़ें कितनी आसान हैं, क्योंकि क्लास में यदि आप सुन भी रहे हैं तो भी घर जाके जो आपने सुना है वो लिखा हुआ है, आप मिलाइए जाके, कभी भी अलग नहीं मिलेगा। या नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ हर चीज़ जैसे ये लिखते थे वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर 400 को 40 पेज में सिनॉप्सिस में लिख सकते हैं, ठीक। तो ये कुछ 3 साल के डेवलपमेंट्स हैं। थर्डली, पहले इंग्लिश में 70-30 होता था, अब हम लगभग 60-40 के लेवल पर गए हैं, गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू इंग्लिश मीडियम। दोज हु कम्स फ्रॉम इंग्लिश मीडियम नो दैट प्रीवियसली इट वॉज देयर ड्यूटी टू ट्रांसलेट द थिंग्स, वी आर गोइंग टू स्पीक ओनली वंस, बट नाउ कंसिडरिंग द रिजल्ट्स इन इंग्लिश मीडियम एंड अदर थिंग्स, वी बोथ एटलीस्ट ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड एज मच एज इंग्लिश एज पॉसिबल। कई बार तो मेरे को ये चिट्ठी आ गई कि सर हिंदी में भी दोहरा दिया करो, दैट यू आर स्पीकिंग इंग्लिश मोर। सो ये सब चीज़ें इस समय की जनरेशन के एब्सोल्यूट एडवांटेज हैं, जो एडवांटेज अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को नहीं मिले। तो आप लोग सिलेक्ट होंगे तो वो प्राइड की बात, मैं खुश होऊंगा, लेकिन मैं सोचूंगा कि आपको तो होना ही था, नहीं हुए तो नाकारा हो, क्योंकि आपको जो सुविधाएं, ये लोग हुए तो बहुत गर्व की बात है, क्योंकि अभावों में किसी बच्चे ने उपलब्धि अर्जित की और बहुत सारे प्रभावों में उपलब्धि अर्जित की, तो बताइए ज़्यादा बड़ी उपलब्धि किसकी है। तो आपके पास बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव हैं, ठीक। सबसे बड़ा प्रभाव तो ऐसा क्लासरूम है जिसमें काम करे ना करे इसी तो लगा है, इनसे पूछो। तो बहुत सारी ऑड सिचुएशंस में वहाँ पर इस डर से कि कब आग लग जाए पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे क्लासरूम्स में, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं उनका, उनका आप लोगों को वो कहते हैं ना, वो होना चाहिए। कई बार हम कहते हैं कि इस चीज़ का हमको एहसास नहीं होता है कि हमारे पास क्या है। तो पिछले विद्यार्थियों की तुलना में आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आपके तैयारी के समय को 3-4 साल कम कर सकती हैं, कम से कम 2 साल कम कर सकती है दूसरे लोगों से, और कंपटीशन उनके समय भी था आपके समय भी है। अब आप में से कोई सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैं यहाँ बैठकर कभी नहीं कहूँगा कि कुछ गलती हमारी भी होगी, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे 100% 99.9% कोशिश कर रहे हैं बेस्ट पॉसिबल दें। ऐसे इनोवेशंस कहाँ होते थे कि युवाचार हो, ऐसे कंपटीशन हो, टेस्ट बहुत रेगुलरली, उस समय ऐसा नहीं था, रेगुलरली टेस्ट हो। मुझे खुद को पता है कि कहाँ कहाँ हम लैक करते थे, और वो सब हमने यहाँ आकर ठीक किया है। अब मैं ज़्यादा बोलने लगा हूँ, इन लोगों को बोलने दीजिए। कुछ चिट्ठी आई है दिखाओ, बताइए आप कुछ बोल रहे थे बेटा। सो इट इज़ देयर अचीवमेंट, और इन्होंने इस बार भी मेंस दिया है दोनों ने, और इस बार डिप्टी कलेक्टर नहीं बने तो आपके साथ अगली बार भी देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो ये जज्बा जो इनका है, उस जज्बे से सीखिए आप प्री के पैटर्न के हिसाब से। हाँ, ये बताइए कि आपने पिछले 2 सालों में दोनों ने देखा होगा कि प्री कंपैरेटिवली टफ हो रहा है, जीएसबी एज वेल एज सीसेट भी। तो आप में से जो जीएस के बारे में बताना चाहे, जो सीसेट के बारे में, आपस में तय करके बताइए, प्री दोनों का निकल रहा है। सीसेट मेरा एक्चुअली मैथ्स बैकग्राउंड है, लेकिन मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, है ना। तो पहले तो ऐसा था कि फिर भी कुछ क्वेश्चन बन जाते थे, लेकिन अभी अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मेरा बैकग्राउंड ये है और मेरे से हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपसे कितना भी अच्छा जो मैथ्स बनता रहा होगा अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, अभी नहीं बनेगा। मैं लिख के दे रही हूँ, नहीं बनेगा, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ्स के वो लेंदी हैं, है ना। आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और सी सेट बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। फर्स्ट पोर्शन जो है, फर्स्ट पार्ट, वो तो फिर भी उसमें कट ऑफ उतने नहीं जा रहे हैं क्योंकि पेपर टफ आ रहा है। और कई लोगों का ऐसा हो रहा है कि पेपर फर्स्ट पार्ट अच्छा जा रहा है लेकिन सी सेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है,
है ना, तो सी सेट को बिल्कुल सीरियसली लेके चलना है। मेरा तो लैंग्वेज की बदौलत ही निकलता था और अभी भी उसी की बदौलत निकला है, लेकिन मैथ्स को इग्नोर नहीं करना है आपको, बहुत उसमें मेहनत करनी है सी सेट के लिए। और ये फर्स्ट पार्ट का दीदी बताएंगे आपको। जीएस में पहले जैसे क्वेश्चन आते थे वन लाइनर, अब वो ऐसे वैसे नहीं आते हैं, आपको बहुत सारा पढ़ के आंसर देना होता है। तो आप डिफरेंट थोड़ा सा पढ़ के आप कर पाएंगे ऐसा नहीं, आपको बहुत सारा डायमेंशन से आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो क्या मेरे साथ ऐसा होता था कि मैंने कभी लक्ष्मीकांत खोल के नहीं देखा था पहले, है ना, अब लक्ष्मीकांत देखना पड़ेगा। अब मैंने देखा है इस बार, तो मैंने बहुत बार, मतलब ऐसा नहीं होता था कि बिल्कुल लक्ष्मीकांत उठा के बैठ गए रामायण पढ़ना है, ऐसा नहीं। जहाँ पे आपको डाउट है, है ना, अगर आपका कोई पर्टिकुलर सोर्स होगा जिससे आपको पढ़ना इजी लगता होगा या आपको रिवीजन उससे बनता होगा, तो आप उसी को फॉलो करिए। और अगर आपको कहीं कुछ डाउट्स हो रहे हैं तब आप वैसे बुक ले सकते हैं। तो मेरे साथ ये होता था कि मैंने कभी वो एक सर आप ज्योग्राफी पढ़ाते थे, इतनी मोटी सी बुक थी, नाम याद, माजिद हुसैन, है ना, माजिद हुसैन, लक्ष्मीकांत, मैंने कभी नहीं पढ़ा। लेकिन आज की जो पैटर्न जो बदला है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ रही है उन चीज़ों की। आपको अपना जो क्राइटेरिया है उसको बहुत वाइड करना पड़ेगा। आप लोगों को याद है, आप लोग वैल्यू करते हो, मेरे ऑप्शनल रहे हैं पब्लिक एड और ज्योग्राफी, तो उसको किसी भी लेवल तक मैं इन लोगों को पढ़ाता था। उस समय जब मैं पढ़ाता था तो इन लोगों को लगता था कि पागल हो गए, इतना सब थोड़ी है। अब वो पैटर्न पिछले 2 सालों से आया है। उस समय जब मैं मानसून, एल नीनो, लानीना, सर आप ये बोलते थे कि ये क्वेश्चन आएगा, हाँ ये क्वेश्चन आएगा, वो अब आता है। तिब्बतियन जेट एक बार पूछा था, तो अब वो पिछले साल शायद कभी आया। तो जब हम ये पढ़ाते थे तो हंसते थे सब कि ऐसे थोड़ी होता है, 6 महीने का कोर्स होता है, ये 2 साल पढ़ा रहे हैं। लेकिन समय के साथ चीज़ें, हाँ आप बेहतर हैं तो वो काम आएगा ना, आज नहीं तो कल आएगा। पॉलिटी में भी यही स्थिति है, ज्योग्राफी में भी यही स्थिति है। अब जो इन्होंने कहा मल्टी लाइनर, उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अब प्री मेंस से निकलेगा। सर आप शुरू से बोलते थे कि आप प्री अलग, मेंस और प्री अलग नहीं है, और वो बहुत देर बाद हमको समझ आया कि सच में अलग नहीं है। छत्तीसगढ़ में ये समझाना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि यहाँ प्री की क्लास ही अलग होती है, जहाँ बच्चे बोलते हैं कि प्री तो निकले। खुद मेरा यही था कि प्री तो निकले, लेकिन सब प्री निकल गया, तो समझ आया कि नहीं ऐसा नहीं। मैंने 2018 में मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने प्री अलग किया कि पहले प्री निकले फिर मेंस पढ़ूंगी। मतलब इतना भी कॉमन सेंस नहीं था, इतना बड़ा सिलेबस है, वो 3 महीने में कैसे कवर करूंगी। तो मेरा सबसे ब्लंडर मिस्टेक था कि मैंने अलग अलग प्रिपरेशन की दोनों की। फिर जब मैंने 2019 में सर के यहाँ फिर मेंस किया, तब उस करते करते ही मुझे समझ में आ गया कि हाँ जो सर बोलते हैं ना कि ये दोनों को एक साथ लेके चलो आप, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुल मिलाकर सर नहीं, कोई भी समझदार आदमी जो इस तरफ खड़े होकर आपको पढ़ा रहा है, वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोलेगा जो आपके नुकसान का हो, क्योंकि आपके फ़ायदे में ही उसका फ़ायदा है। तो मैं यहाँ ऐसा कुछ क्यों बोलूँगा, लेकिन हम इतने प्रभावों में होते हैं कि यहाँ खड़े व्यक्ति की बात हमको लगता है तो घर की मुर्गी है, रोज़ बोल रही है तो दाल बराबर है। लेकिन पापा के ऑफिस में नए कलेक्टर आए हैं जिसको कुछ नहीं आता पढ़ाई का, क्योंकि उसने पढ़ाई छोड़े 10 साल हो गए हैं, वो सही गाइड करेगा। अब तुम उसके पास गए, उसने कहा NCERT पढ़ो बेटा पहले, तो तुम लगे NCERT पढ़ने क्लास व्लास छोड़ के। उस कलेक्टर की गलती नहीं है, तुमको उसके पास जाना ही नहीं था, क्योंकि वो गाइड करने के लिए अभी एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि उसने जिस पैटर्न पे तैयारी की थी वो पैटर्न आज लागू ही नहीं होता। और ऐसे पापा मम्मी रिश्तेदार बहुत सारे सलाहकारों से मिलवा देते हैं और आपको लगता है नहीं वो बड़ा आदमी है, है ना, और उसके हित आपके हित से नहीं जुड़े हैं, हो ना हो, नहीं होना हो, उसका तो हो गया, लेकिन यदि आपका नहीं होगा तो कल को मेरी बदनामी है। तो बताइए ज़्यादा लॉजिकल और ज़्यादा रैशनल सलाह कौन देगा। तो ये मानना ज़रूरी होता है ना टाइमली, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक, ऐसा क्या करें कि पहली बार में सिलेक्ट हो, मैंने बता दिया है आपको, है ना, जो पहली बार हम ही पहली बार में सिलेक्ट नहीं हुए। आंसर राइटिंग के लिए बेटा कई बार बात हो चुकी है, आप लोग कुछ विशेष बताना चाहेंगे, आंसर राइटिंग अलग से किया हो कुछ? सर टेस्ट सीरीज इज़ द वे, है ना,
इस बार जो लोग आ रहे हैं ना, मैंने तो उनको बोला है सिलेक्ट होने की 3 टेस्ट सीरीज साल में देना चाहिए, 5 महीने का मेंस, 3.5 महीने का प्री, फिर 3.5 महीने का मेंस। कल आपको भी बोला था शायद, बस यही पढ़ाई है उस टेस्ट सीरीज में, जो टाइम टेबल है वही पढ़ाई है, कोई और पढ़ाई अलग से करो ही मत, यही है सिलेक्शन का तरीका, दिस इज़ द वे टू सिलेक्ट। अब उस चक्कर में पढ़ाई भी होगी, प्रेशर भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। इकोनॉमिक सर्वे में क्या पढ़ना चाहिए, कुछ अलग आप लोग? जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया रहता है वही पढ़ना चाहिए लेकिन वो जो गवर्नमेंट वाला आता है ना, गवर्नमेंट वाला, वो पढ़ना है। हाँ वो पढ़ना है, लेकिन मैं नहीं पढ़ती थी मैं मतलब अभी बहुत सारे आते हैं इंस्टीट्यूट के, वो उठा लेती थी, लेकिन गवर्नमेंट वाला भी रखती थी। ताकि गवर्नमेंट वाला पढ़ रहे हैं तो आप मेंस में भी उसको इनपुट उसमें डाल सकते हैं, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। हाँ तो मैं गवर्नमेंट वाला पढ़ती थी। हाँ मैं प्राइवेट वाला पढ़ती थी। इकोनॉमिक सर्वे पर आपकी कई बार बात हुई है और आप लोगों ने कहा भी है, जिस भी बैच में इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे क्लास नहीं हुई है, मैं 2 क्लासेस डेडिकेटेड छत्तीसगढ़ बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे, यदि नहीं हुई है तो करवा दूंगा। ठीक, मेरा बुलावा आने दो, अभी तो बंद हो गई है वहाँ दुकानें, अभी वो अग्निकांड में है ना, तो जैसे ही आएगा तो मेरे को बीच में एक गैप चाहिए होता है, तब के लिए मैं कुछ कुछ क्लासेस रखता हूँ, आपकी वो क्लासेस हो जाएंगी, बहुत अच्छे से करवा देंगे, उसमें बता देंगे कि क्या एग्जैक्टली पढ़ना है। ठीक, ये सारी क्लासेस भी पहले हम, अब तो हमारे पास टीम है, रिसोर्सेज हैं, सॉर्ट आउट करके रखा है, एक वीडियो बना कर डाल चुके हैं, तो क्लास में और डिटेल में सर लोग पढ़ाई देंगे। आपने उसका किया था शायद, इंडिया का, इंडिया वाला ना, या उसका है ना, तो वो क्लास हो जाएगा। ठीक, और मेरे ख्याल से ये तो देखो, मैंने कहा ना स्टार्टर, ऊपर वाले देखना, दीप नहीं है, भागना जाए, पकड़ के रखना। हाँ, प्री के लिए लेवल हाई हो गया है, आप हर साल प्री निकालती हैं, कूट वाले प्रश्नों को कैसे डील करते हैं? कूट वाले प्रश्नों को सबसे पहले तो आप उसमें ये देखिए कि आजकल क्वेश्चन का पैटर्न ये हो रहा है ना कि इसमें क्या सही है और क्या सही नहीं है, ऐसा रहता है ना हर क्वेश्चन में, तो जो सही है और नहीं है उसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, आंसर जानते हुए भी हम लोग नहीं है कि सही है के चक्कर में वो गलत हो जाता है। तो सबसे पहले आपको हाईलाइट करना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है, निगेटिव कि पॉजिटिव पूछ रहा है, और उसके बाद आपको एलिमिनेशन मेथड पता होगा है ना, तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके ही मेरे कई सारे क्वेश्चन बने हैं। और ये होता है जब हम प्री में शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रेंज से बाहर लगते हैं, लेकिन देख के, ऊपर से देख के बिल्कुल मत जाइए, पढ़ते हुए जाइए, सबको एक रीडिंग सबको दीजिए। उसके बाद मैं 3 बार पेपर सॉल्व करती हूँ प्री का, है ना, तो जो एकदम 100% है उसको बना लीजिए। कूट वाले क्वेश्चन एक बार पढ़िए, जहाँ पर आपको अगर कुछ डाउट है उसमें छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, फिर थर्ड राउंड में आप उसमें, अब आपका कितना अटेम्प्ट हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है ना, और बनाते बनाते वो पेपर का लेवल भी पता चल जाएगा कि मेरे को कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, वो वहीं डिसाइड होता है, प्री डिसाइड नहीं होता। सोच के मत जाइएगा कितना बना के आऊं। हाँ ऐसा, तो ऐसा नहीं करना है। तो जब वहाँ पे आपको बनाते बनाते समझ में आ जाएगा, थर्ड राउंड में अगर आपसे ठीक ठाक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं और थोड़ा बहुत रिस्क लेना ही पड़ता है ना, तो कूट वाले क्वेश्चन में यही होता है कि अगर आपसे एलिमिनेशन मेथड से बन रहा है तो बनाइए, बिल्कुल रेंज के बाहर है तो छोड़ दीजिए, है ना, अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका मेंस का मीडियम दोनों का क्या था? मीडियम पूछ रहे हैं आपके दोनों के? हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम था दोनों। हाँ। के हिंदी मीडियम थे, हिंदी वालों को राहत आई? हाँ, उनको लग रहा है आजकल अंग्रेजी में ही हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप लोग भी शायद इस बात को वो करेंगे कि एक पेपर एक लैंग्वेज में दे सकते हैं, यदि कोई चाहे तो एक इंग्लिश में एक हिंदी में, ऐसे हो सकता है ना? दे सकते हैं, वो उसमें इंस्ट्रक्शन जो रहते हैं ना फर्स्ट पेज में, उसमें आपको मीडियम मेंशन करना रहता है, हिंदी या इंग्लिश, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप यदि दोनों में बराबर कमांड रखते हैं तो टेक्निकल इंग्लिश में दे लीजिए, बाकी हिंदी में। बाकी मैं, इतनी कमांड वाले लोग होते नहीं, इतनी कमांड वाले होते तो पढ़ा रहे होते मेरे दीप के जैसे, दोनों लैंग्वेज में इतनी कमांड होती नहीं है कि आप एक पेपर दे लो, तो बेहतर यही है कि आप अपने उसके साथ स्टिक करो। बार बार पूछते हैं, ठीक, कितना प्रश्न अटेंड करना चाहिए बेटा, ये तो डिपेंड करेगा पेपर कैसा आया। आप पहले से सोच के नहीं जा सकते। हाँ, आप पहले से नहीं सोच सकते कितना प्रश्न अटेंड। वन डे एग्जाम के लालच से कैसे बचें? अभी छुट्टी ले ली है इन्होंने इस चक्कर में, फ्राइडे सैटरडे की,
अच्छा, वनडे एग्ज़ाम का ऐसा होता था कि मेरे साथ एक्चुअली, अगर आप जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, है ना, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद से ही स्टार्ट कर चुके हैं या ग्रेजुएशन, आजकल तो ऐसा हो रहा है ना, मेरे क्लास में ये होता था, तो मेरे बाजू में सेकंड ईयर का बच्चा बैठा है ना, वो प्राइवेट उधर दे रहा है और यहाँ पर अपना साथ में कर रहा है, मैं तो MSc करके आई थी, मैं देखती थी यार मैं कहाँ हूँ, इन लोग कहाँ हैं, तो उस कंडीशन में आपको बचना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम, मतलब आपका एज के हिसाब से आपको देखना चाहिए कि अगर एज बढ़ रही है ना, इधर नहीं हो पा रहा है, तो उधर भी कोशिश करिए, है ना, बिल्कुल इधर, लेकिन उधर हो जाता है फिर भी इधर मत छोड़िए। हाँ, छोड़िए मत इसको, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मतलब इतनी मारा मारी है जॉब्स की, है ना, तो वन डे एग्जाम पे भी फोकस। बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने आपसे बार बार कहा है, जितने लोगों ने नहीं भरा है फॉर्म, उनको भी भरना चाहिए था। परीक्षा दीजिए, नौकरी लग जाएगी, उसके बाद आपके पास बहुत चॉइस होती है, ज्वाइन करना है, नहीं करना है, थोड़ा डिले करना है। मैं शुरू में नहीं देती थी सर, मुझे लगता था कि डिप्टी कलेक्टर ही बन के जाना है तो वो मेरे साथ थोड़ा देना चाहिए एग्जाम बेटा, ठीक है। एक 2024 में DC कैसे बने बता तो दिया, 5.5, 3.5, 3.5, समझ गए, ऐसे ही बने DC, और ये तब जब जून तक 60% सिलेबस पूरा हो चुका हो। वो उनके लिए है जिसका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, वो बोले सर मैं अभी आया हूँ, मार्च 23 में 24 तक कैसे बनूँ DC, तो पूजा करो बेटा, सिलेबस पूरा होना हाँ, बहुत ज़रूरी है। जिसका मार्च अप्रैल या मई तक 60% तक सिलेबस हो चुका है, उसके लिए 24 में पॉसिबल है, बाकी तो फिर भगवान के घर ही से कुछ हो सकता है ना, क्योंकि बाकी लोग चने तो नहीं भूंज रहे हैं, बाकी लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, तो उनको आप कैसे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उनको कैसे हराओगे आप, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, है ना। मेंस के साथ प्री के को कैसे लेकर चलें, इस पर पूरा एक वीडियो आप लोगों को आता है यार, मैंने बना कर दिया है, देख लिया करो, मैं भी अच्छी बातें बताता हूँ, है ना। सिलेबस दोनों का रखो, मेंस और प्री के सिलेबस में जो 70% एक जैसा है, जब यहाँ पढ़ाया जाए जैसे हिस्ट्री चल रहा है, घर जाकर इस पे प्री भी पढ़ लो, प्री के क्वेश्चन देख लो, और कोई तरीका बताइए। मैं खुद हिस्ट्री का एक ही बुक रखती थी जिससे प्री और मेंस दोनों पढ़ती थी, कभी ऐसा नहीं हुआ, अगर मैं प्री पढ़ रही हूँ तो मेरा मेंस तैयार होता था उस समय, तो मेरे साथ भी ऐसा ही, जैसा कि दोनों ने कहा कि प्री और मेंस साथ में ही लेकर चलना होता है, मेंस की क्लास कर रहे हो तो प्री करते जाओ, प्री की क्लास कर रहे हो तो मेंस करते जाओ, पर मेंस से प्री करना आसान है, मेंस से प्री, क्योंकि ये एलेबरेटेड होता है ना, और इसमें कुछ टॉपिक ही छूटते हैं। एक आखिरी प्रश्न, क्योंकि आप दोनों को तैयारी में कुछ समय लगा है, इस दौरान आप मेंटली स्ट्रांग कैसे रहे, प्रेशर को कैसे डील किया, डिप्रेशन या फेलियर से कैसे लड़े, क्योंकि इतने लंबे समय तक मेंटली स्ट्रांग बने रहना मुश्किल बात होती है। ये लोग तो इम्पेशेंट जनरेशन है आजकल की, मैं इनको मैगी जनरेशन बोलता हूँ, आप लोग ये समझ, मैगी समझ रहे हो ना, सब तुरंत चाहिए, फटाफट 2 मिनट मैगी, तो मैगी जनरेशन में पेशेंस नहीं है। थोड़े पीछे कुछ 5 साल पहले तक कुछ पेशेंस होता था, हमारे समय बहुत पेशेंस होता था, तो ये पेशेंस कैसे बनाए रखें। आप जो सोच कर आए हैं आपको वो नहीं मिलेगा, तो आप जो बनना चाह रहे हैं आप उसके लिए पेशेंस रखिए बस। मुझे ऐसा लगता है PSC पेशेंस और पढ़ाई, PSC इक्वल टू पेशेंस और पढ़ाई है। आप केवल पढ़ रहे हैं, पेशेंस नहीं है, तो मेरे साथ तो ऐसा था कि मैंने बहुत पेशेंस रखा, क्योंकि मेरा ये 7th अटेम्प्ट था, मैंने मेंस लिखा, उसके बाद मेरे साथ हो नहीं रहा, ठीक है ठीक, तो मेरा 7th अटेम्प्ट मैंने मेंस लिखा और हो नहीं रहा था, तो पेशेंस रखना मुझे लगता है ज़रूरी है। और आप कैसे रखें वो आपको खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा। और मैं ये बोलूँगी कि जो निगेटिव लोग हैं ना, उनसे दूर रहिए, ठीक है। आपको बहुत सेलेक्टेड होना पड़ेगा, अपने मतलब चीज़ों को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को मेरे लक्ष्य से दूर कर रही हैं, है ना। आपको अब कोई कुछ भी सोचे, आपको उस चीज़ से हटना पड़ेगा, है ना। एक टाइम ऐसा था मेरे पहले 2 प्री ही क्लियर नहीं हो पाए थे, तो मतलब मुझे लगता था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर मैंने क्या किया, जो मेरे सिलेबस की बाहर की जो भी बात है वो उससे मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, जो चीज़ मेरे एग्ज़ाम में या मेरे सिलेबस में मेंशन है मेरे को पूरा फोकस उसमें ही रखना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चीज़ों से, इन सब चीज़ों से दूर रहना है आपको। और दूसरी बात ये कि आपके पेरेंट्स,
वो उनसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, है ना, कि वो क्या सोच के आपको यहाँ भेजें, है ना। और आप होते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ अब पोस्ट मिल गई अब सब कुछ ठीक है, तो ऐसा तो कभी नहीं होता। पोस्ट मिलने के बाद भी अप्स एंड डाउन, मोटिवेशन डीमोटिवेशन, वो तो होता रहेगा। तो उन चीज़ों को, उन चीज़ों से ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को। परीक्षा सिर्फ वो नहीं है जो हम 3 घंटे बैठते हैं, परीक्षा ये असली परीक्षा है जो प्रिपरेशन है ना। उसमें आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, निगेटिव लोगों से दूर रहना है, अपना जिस काम के लिए आप यहाँ आए हैं उस पर फोकस करिए। और अगर आपको लग रहा है ना कि आप छोटे छोटे वो बनाइए, गोल बनाइए, अगर आप छोटे छोटे गोल्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आपको खुद से मोटिवेशन आएगा, आपको अंदर से आएगा कि हाँ मैंने किया ये। इसके बाद वो धीरे धीरे लेवल अप होता जाएगा। तो इतना वो नहीं है, होता है, सबके साथ होता है, लेकिन सब सेलेक्ट होते हैं कैसे होते हैं, है ना, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। डीमोटिवेट हम लोग भी जब उधर बैठते थे तो बहुत होते थे, तो एग्जाम के एक दिन पहले भी डीमोटिवेट। नीदी दीदी हमेशा बोलती थी जो सेलेक्ट हो जाता है ना वो लोग ऐसे ही बोलते हैं, लोग मतलब ज़्यादा सीरियसली नहीं लेने का, उन लोग ऐसे ही बोलते हैं अब तो सेलेक्ट हो गए हैं। लेकिन हर सेलेक्शन के पीछे एक बहुत लंबी जर्नी होती है जो सिर्फ कैंडिडेट की नहीं, उनके फैमिली की भी होती है ना। तो आपके पीछे आपके पेरेंट्स हैं जो आपको भेजे हैं, तो उनके बारे में सोच के ही पढ़ लीजिए। और जो इन्होंने कहा है कि सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है आसपास के लोग, आपके दोस्त कौन हैं, आप किन से बातें कर रहे हैं, आपका सर्कल क्या है। सर्कल आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, सर्कल आपको मिटा भी सकता है। सो चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली ड्यूरिंग प्रिपरेशन। उसके बाद जिसको बनाना है बनाना, लेकिन तैयारी के दौरान अपने दोस्त बहुत सोच समझ कर बनाइए, क्योंकि बहुत सारा सिलेक्शन 20% सिलेक्शन इससे भी होता है कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, लोग कौन से हैं जो पॉजिटिव एनर्जी की इन्होंने बात की, जो सपोर्ट सिस्टम की इन्होंने बात की, जो ग्रुप डिस्कशन की बात कर सकते हैं, कॉमन आंसर राइटिंग की बात कर सकते हैं, लर्निंग फ्रॉम ईच अदर से की बात कर सकते हैं। ये वो बातें हैं जो हमको रियलाइज़ नहीं होती हैं। और हम लोग ये बार बार कहते हैं कि सिलेक्शन सिर्फ क्लास से नहीं होता, क्लास तो 3 घंटे होती है, सिलेक्शन उस जर्नी से होता है जो आप तीन साल चार साल बिताते हैं। और उस जर्नी में क्लास और टीचर एक पक्ष है, पेरेंट्स दूसरा पक्ष है, फ्रेंड्स तीसरा पक्ष और स्ट्रेटेजी चौथा पक्ष। ये सब जब कोइंसाइड होंगे तब सिलेक्शन होगा। तो क्लासेस से सिलेक्शन है ऐसा नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल से सिलेक्शन है जो आपने तैयारी के दौरान रखा है। समझ गए? ठीक, ग्रुप स्टडी इज इम्पोर्टेंट, नो? यस। एक इन्होंने पूछा था व्यापम और वो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं जब तक पूरा नहीं पढ़ते समझ में नहीं आता। तो पूरा पढ़ने के बाद ही शॉर्ट नोट्स बने। 3-4 बार रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि शॉर्ट नोट है क्या एक्चुअली, है ना। मैंने सबसे पहले यही किया था, आके शॉर्ट नोट्स बनाने लग गई थी। तो वो नहीं, वो जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, चलो, हो गए हैं सवाल। अब कोर्स पूरा होने पर घर जाएं या यहीं रहकर तैयारी करें, बताइए भाई। ये भी कई बार बता चुका हूँ मैं। मुझे लगता है अगर आप यहाँ रहने में कंफर्टेबल हैं तो आप यहीं रहकर तैयारी कीजिए। वो आपकी परिस्थिति पे डिपेंड करता है ना, कि आपके फैमिली बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप घर चले गए तो आपका नहीं होगा, वो भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ प्रेफर, मुझे लगता है कि आप यहाँ रहकर तैयारी करना चाहिए आपको। यदि आप यहाँ जैसा जीवन अपने घर में जी सकते हैं सिर्फ एक बदलाव के साथ, कि खाना अच्छा मिलेगा, बस यही है, बाकी वैसे ही सेपरेशन है जैसे यहाँ होता है, तो ही घर जाएं। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं कर पाता है, इसलिए इन्होंने कहा यहीं रह जाएं। समझ गए? यदि आपकी अर्थव्यवस्था अलाउ करती है तो, वो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ना। लाओ, ये ले, एक और दे दो। चलो, अच्छा, ये लो भाई, दोनों ले लो, आ जाओ यहाँ। चलो,